व्यापार महासंघ द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पिछले दिनों कोरोना के कारण जिन व्यापारियों की मौत हुई थी उनको श्रद्धांजलि दी गई। बीच में उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, हम लोगों ने सबने कहा था कि केजी भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लो, परंतु सामाजिक दूरियां चूंकि वो समाज के कई भागों विभागों से जुड़े हुए थे, पत्रकार वो क्या कहते अपनी कई गतिविधियां करते थे, तो हर व्यक्ति के साथ संपर्क में रहते थे। वास्तव में हम सबके लिए आज बहुत दुखदी प्रसंग है, विधि की विडम्बना है, इसको टाला नहीं जा सकता, जो आया है वो जाएगा, यह सनातन सत्य है। लेकिन जिस तरह से हमारे साथी हमें छोड़कर के इस महामारी के कारण जा रहे हैं, उसके कारण वास्तव में पूरा व्यापारी समाज आज बहुत आहत और दुखी है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ विदिशा व्यापार महासंघ को, पूरी टीम को, जिन्होंने वास्तव में एक परिवार भाव जैसा वातावरण यहाँ पर बना करके, और हमारे साथी जो दुर्भाग्यवश हमारे बीच से इस महामारी के कारण गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह आयोजन रखा। दुख के कारण ये आयोजन रखा ये बात सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वास्तव में एक परिवार भाव जैसा हम सबको लगे, और किसी परिवार का अगर एक व्यक्ति, चाहे वो कुछ दुर्भाग्य से हमारे युवा साथी भी इस महामारी के कारण काल कलवित हुए हैं, लेकिन किसी परिवार का अगर कोई सदस्य गया है, दुर्भाग्यवश तो विदिशा के एक एक व्यापारी को इस बात का एहसास हो कि वास्तव में वो किसी एक परिवार का सदस्य नहीं था, वो पूरे विदिशा के व्यापारी समाज का सदस्य। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ व्यापार महासंघ को, जो एक अच्छी सोच के साथ यह श्रद्धांजलि सभा का, हालांकि घटना कार्यक्रम दुखद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इससे एक परिवार भाव हमारे अंदर आता है। लेकिन सभी साथियों से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, महामारी हमारे सामने है, वैश्विक महामारी है, किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं है, सारी दुनिया में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हम देख रहे हैं, शुरुआत के 2-3 महीनों में हमें ऐसा लगा कि शायद हम इससे बचे रहेंगे, ब्रिटिशर शायद बचा रहेगा, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में, पिछले एक महीने में जिस तरह से विदिशा पर ये कोप बन करके आई है, हम सबके लिए बहुत दुखद है। जानकार लोग इसके बारे में बताते हैं कि इसके साथ ही जिंदगी जीना सीखना पड़ेगा, जब तक वैक्सीन नहीं आएगा। लेकिन प्रार्थना यही है कि उसके जो नियम धर्म है, हम उसके साथ व्यापार करें। देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने बताया, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, ये सब एहतियात करने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर थोड़ी चूक हो जाती है तो ये संकट का कारण बनती है। मेरा सभी व्यापारी साथियों से ये निवेदन है कि हमारे ये जो साथी हमारे बीच से गए, निश्चित रूप से हमको इनके व्यापार करते हुए जो ये बलिदान हुए हैं, इससे हमको सीख भी लेना चाहिए कि जरा सी भी चूक न केवल हमारे स्वयं के बल्कि हमारे परिवार के लिए भी संकट खड़ा कर सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इसका शिकार होने के बाद जरूरी नहीं है कि फेफड़े खराब हों तो ही आप हताहत होंगे, ये तो ऐसा संक्रमण है कि वो आपके किस फंक्शन को डैमेज करेगा। ज़्यादातर लोग तो हार्ट अटैक के शिकार हुए, मगर चूंकि कोरोना नहीं होता तो हार्ट अटैक भी नहीं होता, तो हमको इससे बचना है और अपने परिवार को भी बचाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। आगे ईश्वर हमारे इस देश को, हमारे दुनिया को इस कोरोना महामारी से बचाए, यही आज के दिन में ईश्वर से कामना करता हूँ। एक बार पुनः जो साथी हमारे बीच से विदा हुए हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। ओम शांति। जैसा कि हम डॉक्टरों से और एक्सपर्ट्सों से ये चीज हमको सुनने मिली कि रिश्ते थे, मेरे पड़ोसी थे, बड़े बाजार में हमारे साथी थे, केजी भाई हर दिन मेरी आंखों के सामने रहते हैं, मेरी श्रद्धा सुमन
सभी व्यापारी साथियों के साथ हैं, जो लोग हमारे बीच से चले गए उनके साथ हैं। खिराज अकीदत पेश करता हूँ मैं उनके परिवार के लिए करता हूँ, और आप सभी व्यापारियों से गुजारिश करता हूँ कि सावधानी पूर्वक ही हमें अपना व्यापार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।